नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार। आज हम गोहाना विधानसभा को लेकर बातचीत करेंगे और आज की खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट अविनाश सैनी। सर नमस्कार। नमस्कार। तो गोहाना विधानसभा हॉट सीट बनी हुई है, वो क्यों बनी हुई है आप सभी जानते हैं, क्योंकि गोहाना से बीजेपी की तरफ से डॉक्टर अरविंद शर्मा प्रत्याशी है और कांग्रेस की तरफ से जगबीर मलिक, जो पिछली तीन बार जो यहाँ से विधायक बन चुके हैं, और एक और नाम है जो निर्दलीय है जिन्होंने पर्चा भरा है, वो हर्ष चिकारा जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। तो गोहाना विधानसभा में अब की बार क्या रहने वाला है, वहां के लोगों का क्या मूड है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। सर आपका पहला कमेंट क्या है गोहाना विधानसभा सीट को लेकर? देखो गोहाना में अगर विधानसभा की हम बात करें तो शुरू में जैसा लग रहा था कि जो देशवाल पट्टी है इसमें भूपेंद्र हुड्डा जी का जो प्रभाव है इसका बहुत ज़्यादा असर रहेगा और इस वजह से जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो बहुत आसानी से सीट निकाल ले जाएंगे, ऐसा हमें लगता था शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे आए हैं, जैसे जैसे टिकट वितरण हुआ है और बीजेपी ने कुछ सीटों पे बहुत ही सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं वो की है, उसमें गोहाना एक सीट है। और इसलिए मुझे सोशल इंजीनियरिंग कैसे की है दर्शकों को थोड़ा बताएं जी। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि जो अलग अलग जो समुदाय हैं, जो तबके हैं, वो उनको किसकी काट किसके पास है, किसको जोड़ने से क्या हो सकता है, जातीय समीकरण क्या है और किससे किसको फायदा हो सकता है, किससे किसको नुकसान हो सकता है, ये जो जोड़ तोड़ है, मतलब सभी पैतरे अपनाए अपनाए गए हैं बिल्कुल। और मतलब यहाँ से बीजेपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारा है और डॉक्टर अरविंद जो है, अरविंद शर्मा सोनीपत से वो एमपी रह चुके हैं, निर्दलीय एमपी बने थे, रोहतक से एमपी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सीट टिकट पे और करनाल से दो बार एमपी रह चुके हैं, मतलब तो काफी मंजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा। और इस बार क्योंकि वो लोकसभा चुनाव हार गए थे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे, तो उनको गोहाना में उनको वो किया गया है। लेकिन दूसरी बात यह है कि गोहाना के जो स्थानीय कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है या आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लगातार इसकी मुखालफत कर रहे हैं और इनका जबरदस्त विरोध है। बहुत ही उन्होंने अपनी मीटिंगें की हैं, पार्टी तक भी अपनी बात पहुंचाई है, चिट्ठियां लिखी हैं और पार्टी से बाहर जो मंच है उस पर भी अपनी बात लेके गए हैं और उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए हम बाहरी कैंडिडेट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अरविंद शर्मा का विरोध करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के बीच में विद इन जो विरोध है इसका जरूर असर पड़ेगा और अगर जो कार्यकर्ता नाराज है बीजेपी के, अगर उनको नहीं मनाया जाता है और उनसे भीतरघात होती है तो मुझे लगता है कांग्रेस की सीट आसानी से निकल जाएगी। यही कारण रहा कि क्योंकि योगेश्वर दत्त यहाँ से टिकट मांग रहे थे, दो बार बड़ौदा विधानसभा चुनाव में वो हार चुके हैं और क्योंकि बड़ौदा से वो जीत नहीं पा रहे थे, क्योंकि बड़ौदा जो सीट है वो जाट बोल सीट है, लगभग 50% के आसपास वहां जो है कि जाट मतदाता है, तो वो गोहाना से सीट चाह रहे थे और जैसे ही उनको टिकट बटने से पहले एक दो दिन पता चला तो उन्होंने वहां प्रदर्शन भी किए, उनके जो समर्थक थे उस पुतले भी फूके हैं डॉक्टर पुतले फूके हैं। योगेश्वर दत्त वहां से टिकट मांग रहे थे, वीरेंद्र आर्य वहां से टिकट मांग रहे थे, तीरथ राणा वहां से टिकट मांग रहे थे, विकास मलिक का भी नाम था। तो बहुत सारे लोग थे और उन्होंने बल्कि ये कहा जो गोहाना नगर पालिका है उसपे भी जो चेयरमैन है वो भारतीय जनता पार्टी के है, तो इन सब लोगों ने मीटिंग करके ये कहा कि आप हमारे स्थानीय जो लीडर हैं, जो यहाँ से बहुत सालों से दरिया बिछा बिछा के पार्टी की सेवा कर रहे हैं और पार्टी को इस लेवल पे लेके आए हैं कि पार्टी ऐसे जीत सकती है जी, तो जिन लोगों ने अपना खून पसीना यहाँ पे बहाया है आप उनमें से किसी को भी टिकट दे दोगे हमें मंजूर है, लेकिन हम बाहरी कैंडिडेट जो अरविंद शर्मा है उसको मंजूर नहीं करेंगे। इतनी बातचीत होने के बाद हमारे दर्शक बेताब है ये जानने के लिए क्या बीजेपी यहाँ से क्या कर पाएगी और कांग्रेस के लिए राय कितनी मुश्किल है यहाँ? देखो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये बहुत मुश्किल सीट नहीं रही है। जो जगबीर मलिक है वो 2009, 2014 और 2019
तीन चुनाव जीत के हैट्रिक लगा चुके हैं। इससे पहले 2005 में डीपी मलिक यहां से जीते थे, धर्मपाल मलिक। अभी तक जो गोहाना विधानसभा है उसमें 13 इलेक्शन हुए हैं, 1,94,000 यहां से वोट हैं और उसमें से आधे से के करीब लगभग 92,000 जाट वोटर हैं। तो हम जो बड़ौदा की बात कर रहे थे कि वहां पे जाट वोट ज्यादा हैं, तो मुझे लगता है कि गोहाना भी जाट बहुल सीट है। ये बात अलग है कि गोहाना में जो शहर आ गया है, बड़ौदा में शहर नहीं है कोई भी, सारे गांव बिल्कुल ग्रामीण सीट है, वो ग्रामीण सीट है। तो शहर जो आ गया है तो इससे जो दूसरी कम्युनिटीज हैं वहां पे है, और शहर आने के बाद जो एक समुदाय के लोग भी हैं उनमें भी थोड़ा सा सोचने समझने का फर्क पड़ जाता है। तो शहरों में बीजेपी थोड़ी मजबूत है। लेकिन सर, जैसा कि कांग्रेस के प्रत्याशी जगवीर मलिक 3 बार से वहां से एमएलए है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, एज फैक्टर है उनका, और वहां से डिमांड कर रहे थे कि कोई बार बार जो है ना कि किसी नए चेहरे को टिकट दे, कांग्रेस से डिमांड थी। लेकिन आपको लगता है ये सारी चीजें जो है ना कि जगवीर मलिक जब चुनाव मैदान में उतरेंगे उनको फेस करनी पड़ेगी, और जैसे ही क्योंकि ये उनके एंटी इनकम्बेंसी है, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं हो जैसे हर्ष छिकारा है वो कुछ वोट ले जाएंगे। दूसरा मैं देख रहा था यहाँ से जगबीर सिंह जुआ गांव से है, जो एलएसपी राजकुमार सैनी वाली जो पार्टी है, यहाँ से पिछले चुनाव में हमने देखा कि राजकुमार सैनी को यहाँ से 35,379 वोट मिले थे, बिल्कुल दूसरे नंबर पे रहे थे। तो आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए राय आसान हो जाएंगी? एक तरफ हर्ष छिकारा आ गए है मैदान में, दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी है जगबीर मलिक के प्रति, और तीसरा जो ये एलएसपी का जो कैंडिडेट है, जो राजकुमार सैनी वाली पार्टी का कैंडिडेट है, क्योंकि सैनी वोट बहुत ज्यादा है गुवाहाटी में, अगर देखें तो मेजोरिटी वाली जो हम आपको बता दें कि सैनी बहुल सीटों में से एक सीट मानी जाती है गुवाहाटी की, तो इसमें कहीं फंस तो नहीं जाएंगे? देखो, एक तो इसको हम सैनी बहुल सीट तो नहीं कह सकते, शहरी इलाकों में सैनी बहुल इस मामले में, इस मामले क्योंकि मेजोर बाकी सीटों के मुकाबले मेजोरिटी में, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे SC BC बहुत सारे वोट हैं जिसमें से 65,000 से 70,000 वोट बनते हैं SC और BC के मिला के, जिसमें सैनी शामिल है। जी सर, ब्राह्मण वोट 10,000 मैक्सिमम है, इससे कम ही कम है, 5-6,000 के करीब ब्राह्मण वोट हैं, जाट वोट सबसे ज्यादा है। एक बार सैनी समुदाय से राम कुमार सैनी यहाँ से MLA बन चुके हैं इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पे, वो चौधरी देवीलाल और जो ओम प्रकाश चौटाला है इनका प्रभाव जो है वो इस इलाके में बहुत ज्यादा रहा है। इसके बावजूद 7 बार यहाँ से कांग्रेस जीती है, 2 बार निर्दलीय जीते हैं। तो ये है, यहाँ से शुरुआती जो था 1967, 1968 और 1972, ये 3 चुनाव जो है इनमें रामधारी गोड मतलब ब्राह्मण समुदाय का, अगर हम कैंडिडेट की बात करें, उसकी जीत की प्रतिशत की बात करें कि कितना पॉसिबल है जीतना ब्राह्मण समुदाय का, तो शुरुआत के 3 चुनाव रामधारी गोड जीते थे। हालांकि उनकी छवि जो है वो सिर्फ ब्राह्मण नेता की नहीं थी, वो बहुत बड़े कद के नेता थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, तो वो उस नाते वहां से जीते। और इस बार जो बीजेपी ने दाव खेला है अरविंद शर्मा पे, वो 2 कारण हो सकते हैं मुझे ऐसा लगता है। एक तो जो मैंने बात की सोशल इंजीनियरिंग की, उनको लगता है कि जाट बहुल सीट है, यहाँ सारी पार्टियां जाट कैंडिडेट को उतारेंगी, तो वो नॉन जाट कैंडिडेट, तो नॉन जाट कैंडिडेट है उसके खाते में जो ये 65-70 हजार जो वोट है, SC वोट है या BC वोट है या यहाँ पे पंजाबी वोट है या बनिया वोट है या यहाँ पे ब्राह्मण वोट है, वो सारी इकट्ठी अगर हो जाती है तो वो कैंडिडेट फिर जीत सकता है। जी सर, क्योंकि 2019 का जब यहाँ से विधानसभा चुनाव था उसमें भी जीत का मार्जिन कोई ज्यादा नहीं था, बिल्कुल। और अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, लोकसभा में जो यहाँ बीजेपी को हम देखे तो कि सिर्फ 1392 वोटों से कांग्रेस आगे थी यहाँ से, और 1392 ही, और 2019 में भी जीत का मार्जिन कम था। और अभी जिस तरीके से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, BSP ने भी कैंडिडेट उतारा है, जो दिनेश मलिक है INLD BSP, JJP की तरफ से कुलदीप मलिक है, आम आदमी पार्टी की तरफ से श्याम रंगीला है, फिर हर्ष छिकारा है, फिर राजवीर सिंह दहिया है यहाँ से, फिर जगवीर सिंह जून है, ये एक फहरिस्त है जो इन 2 कैंडिडेट के, डॉक्टर अरविंद शर्मा और जो जगबीर मलिक है, इनके अलावा बचती है। तो ये लोग क्योंकि जितने भी वोट मुझे लगता है ले जाएंगे, उसमें नुकसान जो है ना कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ही होने वाला है। देखिए, दोनों चीजें होंगी,
मतलब मैं आज ये बहुत जल्दबाजी है इसकी भविष्यवाणी करना कि कौन जीतेगा, लेकिन मैं आपको, हम अपने दर्शकों के सामने ना सारे फैक्टर रखते हैं। देखो पहला फैक्टर जो हम ये कह रहे हैं जगबीर मलिक के खिलाफ क्या है, क्योंकि तीन बार से यहाँ से एमएलए है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर तो ये है सर। दूसरा ये है कि जो बाकी कैंडिडेट है वो जाट समुदाय से ज्यादा है, तो वो जो भी वोट तोड़ेंगे वो कांग्रेस की वोट टूटेंगी, ऐसा माना जाता है। ये एक फैक्टर है जो इनके खिलाफ जाता है, इनके पक्ष में क्या जाता है, ये तीन बार से एमएलए है, जनता के बीच में बहुत अच्छी पकड़ है इनकी। जी सर। तो ये जो चीजें हैं, एक कनेक्टिविटी है। तीसरा ये है कि जो इनके पक्ष में और जो बात जा रही है वो ये जा रही है कि इस समय पे ये लग रहा है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, ये बड़ा फैक्टर है। अगर कांग्रेस आ रही है तो लोगों का एक झुकाव, जो ना बहुत ज्यादा कट्टर बीजेपी के मतदाता है, वो लोग सत्ता के साथ जाना ज्यादा पसंद करते हैं, होते कंफ्यूजन में होते हैं, हाँ वो सत्ता के साथ जाना पसंद करते हैं, तो वो इस चीज का ये देखते हैं वेव किसकी है, सरकार किसकी आ रही है। तो अगर सरकार आपको आपको लगता है कि कांग्रेस की आने वाली है, उसके एज ज्यादा है, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो फिर बहुत सारे लोग जो जगबीर मलिक को वोट नहीं देना चाहते लेकिन जो जिताऊ कैंडिडेट है, हाँ जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसको देंगे। और तीसरी चीज मुझे लगती है कि ये भूपेंद्र हुड्डा की धरती है और भूपेंद्र हुड्डा को इसमें जोर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे दो बुजुर्ग उम्मीदवार है, ये रोहतक सोनीपत के बीच में बहुत, रघुवीर कादयान है बेरी से और यहाँ से जगबीर सिंह मलिक है, तो वो भी 80 प्लस हो चुके हैं, रघुवीर कादयान भी, लेकिन उनको टिकट मिली है। फार्मूला जो कांग्रेस ने अपनाया है, सीटिंग गेटिंग का जो फार्मूला है, उसकी वजह से टिकट मिली है। और उसकी वजह से क्या है कि विद इन पार्टी विरोध कम होता है। जी सर। भाई पार्टी ने फैसला कर लिया कि जो एमएलए हैं उनको तो टिकट मिलेगी मिलेगी, वो जिताऊ है नहीं जिताऊ है। जी सर। तो एक तो ये है, फिर ये लगता है कि पार्टी का फैसला है, तो बहुत सारे लोग तो इस पे मान जाते हैं, भाई पार्टी का फैसला है तो शर्माते। जी सर। जो पार्टी ने खड़ा कर दिया हम उसको वोट देंगे, वो जगबीर मलिक हो या कोई और हो। और जगबीर मलिक को नापसंद करने वाले लोग भी एक टाइम के बाद जो पार्टी के साथ जो सहानुभूति है या जो संवेदना जुड़ी हुई है, जो भावना जुड़ी हुई है, उसकी वजह से जो पार्टी के वोटर है वो देंगे। तीसरी बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा जो है वो जब जाके ये कहेंगे कि भाई जगबीर मलिक को मत देखो, मेरे को देखो, यहां से आपका कैंडिडेट मैं हूं और मेरे को आके आप डायरेक्ट कह सकते हो आपकी सरकार बनेगी, मतलब ये जो है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, भूपेंद्र हुड्डा के नाम से वोट मिली थी, तो इस बार भी अगर भूपेंद्र हुड्डा के नाम से वोट मिलती है तो जगबीर मलिक के पास एज है। अब इसमें जो दूसरी बात है, जो एक और चीज उठाई जा रही है कि हर्ष सिकारा जी, तो हर्ष सिकारा सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है, लेकिन राजनीतिक रूप पे उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उनके साथ कितने वोट है, तो दूसरी बात ये लगती है। फिर भी हम ये मान लें कि हर्ष सिकारा है, राजवीर है, दूसरे जगबीर जुआ है, दिनेश मलिक है, ये सारे जो जाट कैंडिडेट हैं, मतलब ये कुछ ना कुछ वोट तोड़ेंगे तो इसका नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है उतना ही नुकसान बीजेपी को इस नाम का हो सकता है कि अरविंद शर्मा बाहरी कैंडिडेट है। अगर विद इन बीजेपी अगर ये हवा चल रही है कि आप बाहरी कैंडिडेट को नहीं जीतने देना यहां से, और बीजेपी की जो सबसे बड़ी खासियत है, बीजेपी का इलेक्शन उसका नेता नहीं लड़ता है, बीजेपी का इलेक्शन उसका काडर लड़ता है, वो बूथ पे बैठने वाले लोग हैं, वो मतगणना के दौरान बैठने वाले लोग हैं, वो लोगों में पर्चे बांटने वाले लोग हैं। मैंने देखा है कि आरएसएस के जो कार्यकर्ता है उनकी ड्यूटीज लग जाती हैं और वो बिना खाए पिए अपने कैंडिडेट के लिए दिन रात एक करते हैं, वोट मांगते हैं। इसीलिए सोनीपत में भी ऐसा हो रहा है कि राजीव जैन ने पर्चा भर रखा है आरएसएस का, वो कह रही है कि मैं तो संगठन के लिए ही सब कुछ करता हूं, तो बाहरी कैंडिडेट है। हाँ, तो संगठन के नाम पे बहुत सारे वोट हो सकता है अरविंद को भी ना मिले। तो हम दोनों तरफ से अगर देखें तो एक तरफ से कुछ नुकसान अरविंद, पॉजिटिव नेगेटिव है दोनों, अरविंद को भी है, कुछ वो पॉजिटिव है कि वो नॉन जाट, मतलब उन नॉन जाट जो फैक्टर है उसका फायदा उनको मिल सकता है और वो इकट्ठे हो सकते हैं अरविंद शर्मा के नाम पे।
तो इसलिए उनको ये फायदा दिख रहा है, लेकिन कैडर में ही जो विरोध है उसका नुकसान भी दिख रहा है। जगबीर मलिक को एज की बात है या 3 बार बन चुके हैं, तो ये एंटी इनकम्बेंसी अगर एक विधायक के लिए है तो एक सरकार के लिए भी तो है। 10 साल बीजेपी की सरकार रही है उसके लिए तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भी है, तो एंटी इनकम्बेंसी तो इधर भी है इधर भी है, दोनों कट गई जी, बराबर हो गई। ठीक है, तो लास्ट में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे जो इतनी देर से हमारी चर्चा सुन रहे हैं? मुझे लगता है कि बहुत आसान इलेक्शन नहीं है, बहुत सीधा सीधा ये नहीं है, इस पे जोर लगाना पड़ेगा कांग्रेस को भी। और अगर अरविंद शर्मा जीतने का के लिए यहाँ से लड़ रहे हैं तो उनको भी बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, रूठे हुओं को मनाना पड़ेगा, कौन मानता है कौन नहीं मानता, कौन साथ में आके खड़ा हो जाता है लेकिन भीतर घात करता है, और कौन कितनी वोट तोड़ पाता है। क्योंकि देखो इस इलाके में ये जो भूपेंद्र हुड्डा का जो इलाका है, इस इलाके में जो जाट वोटर है ये बहुत समझदार हुए हैं पिछले दिनों में, फार्मर एजिटेशन के बाद बहुत ये कंसोलिडेशन हुआ है, वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, और वो ये हुआ है कि भाई बटना नहीं है। और भूपेंद्र हुड्डा इसीलिए जो एक शब्द वो लेके आते हैं वोट कटवा, वोट कटवा से बच के रहो भाई, बार बार ये जो अलग अलग चुनरी ओढ़ के किसी अलग अलग पार्टी का वो ओढ़ के जो जिताऊ कैंडिडेट नहीं है। अब आप ये मान के चलो कि इनेलो में भी इस समय पे जो यहाँ पे गोहाना की बात करें तो जो कैंडिडेट है जिताऊ नहीं है, जेजेपी में भी जिताऊ नहीं है, आम आदमी के पार्टी का कैंडिडेट की भी जीतने के चांसेस नहीं है, आर सिकारा के भी जीतने के चांसेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि जाट वोट इस बात जो वोटर है इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो जीतने वाला नहीं है उसको वोट दे के क्यों खराब किया जाए। इसीलिए आप देखो कि जब भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ दिग्विजय चौटाला खड़े हुए थे यहाँ पे सोनीपत के लोकसभा चुनाव में, तो बेशक भूपेंद्र हुड्डा हार गए लेकिन दिग्विजय को क्या मिला था? बहुत कम वोट मिले। तो वो जो एक समझदारी है, हाँ इस नाम पे जब जाट वोटर कंसोलिडेट होते हैं तो पैरेलल नॉन जाट की हवा भी चलाती है बीजेपी और वो भी कंसोलिडेशन की तरफ जाते हैं, तो इसलिए कभी इधर झुकता है कभी उधर झुकता है। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही सुलझे हुए और घाघ पॉलिटिशियन जिसको हम कह सकते हैं अरविंद शर्मा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक हमें जगबीर मलिक का पलड़ा भारी दिखता है, लेकिन उनको बहुत ही समझदारी के साथ अपने रूठी हुओं को मना रख के भूपेंद्र हुड्डा का ज्यादा से ज्यादा साथ लेके और पार्टी के नाम पे वोट लेने हैं। अगर वो मिलते हैं तो वो सीट निकाल सकते हैं, और वरना तो अरविंद शर्मा कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सुनिए आपने गोहाना विधानसभा की चर्चा, आपको कैसी लगी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में लिख के आप हमें बता सकते हैं, आप अपनी राय भी दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।